नमस्कार व्यूवर्स, यादव साहब का एक कमेंट है। सर, कोई ऐसा बिजनेस बनाइए बताइए जो नौकरी से ज़्यादा कमा सकें। एक उमेश जी हैं, इन्होंने लिखा है, सर कोई ऐसा बिजनेस बताइए, मैं एक छोटी नौकरी करता हूँ और नौकरी से मेरे घर परिवार का पूरा खर्चा नहीं चलता है, कोई ऐसा बिजनेस बताइए जो नौकरी से ज़्यादा कमाई दे सके। इसी तरह एक बहन है मेरी, जिन्होंने ये कमेंट किया है, मैं नाम लेना उचित नहीं समझता, उन्होंने कहा है, सर कोई ऐसा बिजनेस बताइए जो हम घर बैठे कर सकें। आइए, आज मैं एक छोटा सा बिजनेस आपके लिए बता रहा हूँ। ये बिजनेस आइडिया आप घर बैठे कर सकते हैं। ये बिजनेस आप अपने घर में दुकान खोल कर कर सकते हैं। ये बिजनेस आप बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। ये बिजनेस आप मार्केट में दुकान खोल करके कर सकते हैं और ये बिजनेस आप थोड़े से पैसे से शुरू कर सकते हैं, अच्छा पैसा लगा सकते हैं। ये बिजनेस गांव में शुरू कर सकते हैं, ये बिजनेस शहर में शुरू कर सकते हैं, ये बिजनेस गली मोहल्ले में कर सकते हैं। और ये मैं दावे के साथ कहता हूँ आपको कि इस बिजनेस में आप इतना कमा लेंगे जो आप नौकरी में नहीं कमाते हैं। हाँ, आप ये जरूर कहेंगे, ये तो छोटा बिजनेस है, ये बिजनेस तो मेरे लायक नहीं है, ये बिजनेस मैं करूँगा तो मेरे पिताजी क्या कहेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे। दोस्तों, मैं इस बात की गारंटी नहीं लेता, मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही बात की गारंटी लेता हूँ कि यदि आप 10 से 15 हज़ार रुपये पर मंथ कमा करके सूटेड बूटेड रह करके कोई बिजनेस करते हैं, उससे ये बिजनेस लाख गुना अच्छा है। इस बिजनेस का नाम मैं कहूँगा वेजिटेबल बिजनेस। देखिए दोस्तों, रोटी, कपड़ा और मकान, ये जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। और रोटी जब तक नहीं खाई जाती जब तक सब्जी नहीं होती है, और सब्जी हर घर में 2 से 3 बार बनती है। इसके साथ में फ्रूट्स की भी ज़रूरत होती है। तो जिस चीज़ की डिमांड हर घर में, चाहे वो गरीब की झोंपड़ी हो, चाहे वो अमीर का महल हो, और चाहे वो साधारण आदमी की एक शानदार कोठी हो, सब में ज़रूरत होती है। अच्छा आदमी भी सब्जी खाता है, साधारण आदमी भी सब्जी खाता है, और धन्ना सेठों की तो बात ही क्या है, उनके यहाँ तो सब्जियाँ बोरों में आती हैं दोस्तों। और आपके और हमारे जितने सारे दिन में खर्चे लगते हैं, उनके केवल सब्जी में खर्चे लगते हैं। और इतनी महंगी महंगी सब्जियां खाते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, जो इंडिया के 5-10 रिचेस्ट पर्सन हैं, उनके यहाँ हजारों रुपए किलो की सब्जियां खाई जाती हैं। दंग रह गए ना आप सुन के। जी हाँ दोस्तों, खाई जाती हैं। ऐसी स्थिति में सब्जी का बिजनेस कोई बुरा नहीं है। सब्जी का बिजनेस आप ठेला लगा कर कर सकते हैं, सब्जी का बिजनेस आप रेहड़ी लगा करके कर सकते हैं, सब्जी का बिजनेस आप पिकअप के अंदर कर सकते हैं, सब्जी का बिजनेस आप कहीं पुरानी जीप लेकर के कर सकते हैं, सब्जी का बिजनेस आप ट्रैक्टर में कर सकते हैं, सब्जी का बिजनेस आप ट्रक में डाल करके कर सकते हैं, सब्जी का बिजनेस आप थोक में कर सकते हैं, सब्जी का बिजनेस आप 1,000 रुपये से शुरू कर सकते हैं। ध्यान सुनिए मेरा बात, मैं वो बातें नहीं बताऊंगा आपको जो लोग बताते हैं, सब्जी वहाँ से खरीदिए, सब्जी वहाँ से खरीदिए, वहाँ सस्ती मिलेगी। आपको सब पता है कहाँ कैसी मिलती है, कहाँ से लानी है, ये सारी बातें आपको पता है। जो मैं बातें बता रहा हूँ वो आपको अलग वीडियोज और जो वीडियोज़ होते हैं उनसे कुछ अलग बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, धरातल से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, गांव से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। वो मुश्किलें मैंने देखी हैं, भोगी हैं, परखी हैं और महसूस किया है। उन मुश्किलों का सामना आपको नहीं करना पड़े, वो बातें मैं बताता हूँ। आप 25-30 हज़ार रुपये की कोई गाड़ी ले सकते हैं, छोटी सी गाड़ी ले सकते हैं, और उस गाड़ी के अंदर सब्जियां जचा करके 1 क्विंटल 2 क्विंटल सब्जियां आप उस गाड़ी में रख करके आराम से बेचने जा सकते हैं।
सेकंड हैंड गाड़ियां आपको खूब मिल जाती हैं, जीप वगैरह मिल जाती हैं। 5-7 किलोमीटर आपको जाना होता है, गांव के किसी चौक में जाकर के खड़े हो जाइए, वहां आप जो सब्जियां लाते हैं उन सब्जियों की रेटें, वो परचेज जहां से आप करेंगे वहां वाले आपको बता देते हैं कि रिटेल में ये रेटें चल रही हैं। और जब आप काम करेंगे तो कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। काम आदमी को अभ्यस्त बनाता है, अभ्यास मनुष्य को अभ्यस्त बनाता है। आप सीख जाएंगे, ऐसी स्थिति में आप सब्जी के व्यापार में कम से कम 30,000 से 50,000 रुपया पर मंथ कमा सकते हैं। यदि आप रेहड़ी लगा करके भी सब्जी का व्यापार करेंगे तो मैं आपको निश्चित रूप से वादा करता हूं आपसे, यदि आप 2,000 रुपये की सब्जी खरीद करके आप यदि शाम को बेच के घर जाएंगे तो 1,000 का नोट आपका पक्का है। क्या ये कम है दोस्तों? आप 10,000, 12,000, 7,000 रुपये में एक टांग के ऊपर सेठ जी के यहाँ दुकान पर खड़े रहते हैं, उससे बेटर समझता हूँ मैं आपको। ये बिजनेस आप अपने घर में दुकान करके चला सकते हैं, माताएं बहनें भी इस बिजनेस में आपका सहयोग कर सकती हैं। साफ सफाई करवानी सब्जी की, ठेले के अंदर डलवानी या गाड़ी के अंदर डलवानी, इस तरह की बहुत सी काम होते हैं जो वो मदद कर सकती हैं आपकी। यदि आपको ये बिजनेस जचता है, आप यदि इस बिजनेस में कहीं फिट बैठते हो, आपकी पूंजी यदि इस बिजनेस में फिट बैठती है, तो कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझे बताइएगा कि सर आपने जो बिजनेस बताया था उस बिजनेस को मैंने किया है और अच्छा पैसा कमा रहा हूँ। यदि आप कहीं अच्छा पैसा नहीं कमा रहे हैं और इस बिजनेस में कहीं लॉस लगता है तो वो भी हमें बताइएगा, ताकि हमें पता चले कि किन किन कारणों से सब्जी के बिजनेस में लॉस लग सकता है। वीडियो पसंद आता है सारे दोस्तों में भेजिएगा। 50% लोग कम पूंजी वाले होते हैं, उनके लिए ये वीडियो बनाना बहुत जरूरी है। और इस वीडियो के द्वारा यदि किसी का भाग्य चेंज होता है तो मैं ये मानता हूं कि मैं किसी का भाग्य तो नहीं बदल सकता, मगर मैं उनके भाग्य बदलने की कोशिश तो कर ही सकता हूं। नमस्कार।